नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान के 14वें सीएम भजन लाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। इस समारोह में तीन मंच बनाए गए। एक मंच पर साधु संतों को बैठाया गया, दूसरे मंच पर पॉलिटिकल लीडर्स और तीसरे मंच पर शपथ ली गई। इसके साथ ही खास बात यह है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। जयपुर की सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सीएम हैं भजनलाल शर्मा। इस समारोह को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदला गया था। रामनिवास बाग की तरफ जाने वाले रास्ते को गुरुवार सुबह 7 बजे ही बंद कर दिया गया था, जो दिसंबर 15 तारीख को शुक्रवार दोपहर 3 बजे खोला गया। इसके साथ ही मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद ही होगी। साथ ही चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, डीजीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव सहित अन्य फील्ड में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद भजनलाल शर्मा सचिवालय स्थित सीएमओ में कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद पहली कैबिनेट बैठक भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी पहली ही कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल देश के सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। कैबिनेट में इसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का फैसला हो सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था, अपराधों और महिला अत्याचारों को लेकर यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, मांस अंडे की खुले में बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।